हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे हैं IAS ऑडिट प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की प्रोसेस। तो अब हम पहुंच गए ऑडिट रिपोर्ट में। ऑडिट रिपोर्ट एक बार ध्यान रखने की बात है कि वो फाइनल डिलीवरेबल है और हमें पता भी है। ऑडिट रिपोर्ट हम ऑडिट IAS ऑडिट करने जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करने जा रहे हैं, तो ऑडिट रिपोर्ट फाइनल डिलीवरेबल होगी। यानी हमें पैसा मिलेगा, हम ऑडिट रिपोर्ट देंगे, अगर देसी भाषा में कहा जाए तो। और ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा, हमारी ओपिनियन होगी। और ऑडिट रिपोर्ट के अलावा हमें दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी, वो ये है फॉलोअप करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक ऑडिटर हैं, एक अच्छे ऑडिटर हैं, तो हम ऑडिट रिपोर्ट देंगे और ऑडिट रिपोर्ट के कुछ साइलेंट फीचर्स होनी चाहिए जो कि हमें पता भी हैं लेकिन फिर भी हमारी स्टडी में दिया हुआ है, उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो हमें पता है कि ऑडिट रिपोर्ट के क्या साइलेंट फीचर्स होनी चाहिए, किस तरह की ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। और ये भी हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्डाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती, इस पर हमारा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉलोअप। अगर आप ऑडिट रिपोर्ट दे देते हो और उसका फॉलोअप नहीं करते हो तो उसके कोई मायने नहीं है। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स होने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ डायरेक्टिव कंट्रोल्स हैं। और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वेबसाइट्स में ये पॉलिसीज, प्रोसीजर सब लगे होते हैं, ब्यूटीफुली लगे होते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड में देखोगे तो ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहे होते हैं। तो ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर्स का कोई मायने नहीं जो इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, जो डायरेक्टिव कंट्रोल्स इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल वीक है, कोलैप्स्ड है ऑर्गेनाइजेशन का। उसी तरीके से अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट दी और उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उस ऑडिट रिपोर्ट का रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकली ये होता है कि आपने ऑडिट रिपोर्ट दी और वो भूल गए, छोटे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, वो नहीं चाहते ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हों। तो अगर मान लिया सपोज ऑडिट रिपोर्ट आप दे रहे हो, इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, फॉलोअप आप कर रहे हो और उसको इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब या तो आपने उस प्रस्पेक्टिव के अनुसार सही ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी। कई बार क्या होता है कि आप रिकमेंडेशन देते हो लेकिन वो कॉस्ट इफेक्टिव रिकमेंडेशंस नहीं होती हैं, और चूंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव रिकमेंडेशन नहीं होती हैं, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो कहता है कि जी हमारी तो हैसियत ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी मुश्किल से 50 लाख का ऑर्गेनाइजेशन है, करोड़ का ऑर्गेनाइजेशन है, 2 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, और आप उसे ऐसी रिकमेंडेशन दे रहे हो जो 1000 करोड़ के कंपनी की है, तो वो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर छोटी सी कंपनी है उसमें आप कह रहे हो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाओ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो एंटीवायरस लगा सकता है। छोटी कंपनी है, 1 कंप्यूटर 2 कंप्यूटर, आप फायरवॉल की बात कर रहे हो, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की बात कर रहे हो, वहाँ पर इन सब चीज़ों के कोई मायने नहीं है। तो अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट आप दे रहे हो तो आप मैनेजमेंट से बात करोगे कि भाई मैं फॉलोअप क्यों नहीं हुआ, मेरी ऑडिट रिपोर्ट का रिस्पेक्ट क्यों नहीं हुआ। आप सही अच्छे टर्म्स में बात कर सकते हो, पॉलिटिकली सही ढंग से बात कर सकते हो। आप कह सकते हो जी हमने ऑडिट रिपोर्ट दी, आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, इसका मतलब आप हमारी ऑडिट रिपोर्ट का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो उस अगर 90% चीज़ें ऑडिट रिपोर्ट में आपने दिया, 90% चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं, तो इसका मतलब एक रीजनेबल लेवल का इम्प्लीमेंटेशन है और आपका रिस्पेक्ट हुई है। ऑन द रिकॉर्ड आप यही बोलोगे 100% रिकमेंडेशन होनी चाहिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको बताएगा, वो जो ऑडिटी है जिसका ऑडिट करने आप जा रहे हो, वो कहेगा कि जी ये मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कर पाए, या तो वो टाइम लेगा या आपको बताएगा ये प्रैक्टिकल नहीं है। दोनों चीज़ों के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में मतलब, अगर आपके उसको बोलेगा अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप एक प्लान मंगा लो। तो इसको समराइज़ करते हैं। समराइज़ यह है ऑडिट रिपोर्ट के बारे में, हम सब जानते हैं कि वो एक फाइनल डिलीवरेबल है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करने के बाद आप ऑडिट रिपोर्ट दोगे, ऑडिट रिपोर्ट जो होगी वो फाइनल डिलीवरेबल होगा, और उसके बाद आप फॉलोअप करोगे। फॉलोअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलोअप इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और आप देखोगे फॉलोअप इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। उसके अलावा क्या होता है कि ऑडिट रिपोर्ट आपकी IAS ऑडिट रिपोर्ट स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में नहीं होगी, उसका कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हो ही नहीं सकता है। जेनरिक ऑडिट रिपोर्ट आप नहीं बना सकते हो। कई सिचुएशंस में जेनरिक ऑडिट रिपोर्ट होती है, जैसे बैंक्स में जाओगे LFR लार्ज फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होती है, तो एक कई ऑर्गेनाइजेशन में कई पर्टिकुलर ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स जब आप मीट करने की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ पर एक स्टैंडर्डाइज रिपोर्ट आप बना सकते हो।
वहाँ एक स्टैंडर्डाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट बन सकती है, स्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्डाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट बन सकती है, लेकिन आईटी के केस में नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि आईटी हर 5 साल में पूरी एक जनरेशन चेंज हो जाती है, हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अलग होता है। हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस बात पर हम काफ़ी एम्फसाइज कर चुके हैं। आईटी के फील्ड में चीज़ें बड़ी तेज़ी से मूव करती हैं। या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे एज एन आईएएस ऑडिटर या नॉर्मल ऑडिटर भी, तो सबसे पहले आप बोलना कि 5 या 7 साल पुरानी जो भी इन्वेंट्री है आईटी की, वो हमें बता दो। अगर 5-7 साल से कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, 5-7 साल से हार्डवेयर पुराना है, उसकी एक लिस्ट हमें दे दो, आप उनसे मांग लेना। कई बार क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ और वहाँ पर क्या है कि विंडो 8.1 या विंडो 10 डालने की कोशिश करोगे, अगर एक किसी पर्टिकुलर लैपटॉप में, तो उसमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रैम की ज़रूरत होती है, स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत होती है। अगर वो मिनिमम अमाउंट ऑफ रैम और स्टोरेज स्पेस नहीं है तो आप विंडो काम ही नहीं करेगा, बहुत हल्के काम करेगा। जैसे कि कुछ समय पहले क्या होता था कि पुराने मोबाइल्स में, पुराने स्मार्टफोन में जो मैप्स आज की डेट में गूगल मैप्स है, गूगल मैप्स का फीचर होता था, लेकिन आप ऑन करते थे मालूम पड़ा आधे घंटे वो काम ही नहीं करता था। मेरे पास एक मोबाइल था उसमें गूगल मैप्स था, मैं उसे ऑन करता था, कभी काम ही नहीं करता था। फिर एक दिन अचानक मैंने हाई एंड मोबाइल, कुछ साल भर 2 साल के लिए मोबाइल नहीं लिया, फिर अचानक मार्केट में हाई एंड मोबाइल फ़ोन आया, मैंने उसे लिया, मैप्स को दबाया, इंस्टेंटली काम करने लगा। मुझे लगता था ये मैप्स काम ही नहीं करता है, क्योंकि उस सिस्टम में उतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं थी कि वो मैप्स स्पीडीली काम कर सकें, प्रोसेसिंग हो सके। उसमें 3G कनेक्शन था लेकिन उतनी स्पीड नहीं थी, सॉरी तब 2G कनेक्शन था, 2G कनेक्शन और दोनों बाद में क्या हुआ, 3G कनेक्शन हुआ, प्रोसेसिंग पावर भी बढ़ गई, मैप्स इंस्टेंटली काम करने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास 5 या 7 साल पुराना अगर इक्विपमेंट है तो वो आज के प्रस्पेक्टिव में कई टर्म्स में काम ही नहीं करेगा। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ेगा और ये सारी चीज़ की इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब 5-7 साल में चीज़ें ऑब्सलीट हो जा रही हैं, जनरेशन चेंज हो जा रही है, तो ऑडिट रिपोर्ट का भी स्ट्रक्चर बनना एक मुश्किल है, क्योंकि ऑल इवॉल्विंग है। ऑडिट रिपोर्ट का स्ट्रक्चर कहाँ पर है, जैसे आप, जैसे कारो है, लेकिन कारो भी पहले माओ कारो थी, फिर उसके बाद कारो आई, फिर एमेंडेड कारो आई, तो वहां पर भी चेंजेस हो रहे हैं, वहां कुछ स्ट्रक्चर है लेकिन सिचुएशन के अनुसार चेंज हो रहे हैं। आईटी में तो बहुत तेजी से चेंज होते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट नहीं हो सकता। हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है तो हम ये बोलेंगे कि स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट नहीं होगी लेकिन मिनिमम फीचर्स होने चाहिए। स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट नहीं हो सकती है लेकिन मिनिमम फॉर्म रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार, तो जो स्टैंडर्ड्स बताते हैं वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑलरेडी मिनिमम प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, मिनिमम बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और जो ऑडिटी जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर कर रहा है वो तो होनी चाहिए, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। यानी कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट है, आपका फाइनल डिलीवरेबल है, और ऑडिट रिपोर्ट के बारे में हम सब जानते हैं, उस फाइनल डिलीवरेबल में रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट आउट होनी चाहिए, और इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटी को रिक्वायर होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए। यानी कि अगर ऑडिटी की में कोई ऑडिट कमेटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, या स्टेचुटरी और रेगुलेटरी अथॉरिटी कुछ कह रही है तो वो उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। उसके अलावा आईएएस ऑडिटर जो रिपोर्ट बनाए वो स्कोप और ऑब्जेक्टिव देखते हुए बनाए। असल में क्या होता है कि कई बार आप जाओगे ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने तो क्या होगा, पुरानी रिपोर्ट उठाओगे, उसको देखोगे और उसी के अनुसार रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करोगे, तो आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है आपके पास, लेकिन जेनेरिक यानी कि आप एक आईएएस ऑडिटर हो और आपके पास 50 ऑडिट है, सपोज आईएएस ऑडिट है, तो 50ों में सेम रिपोर्ट नहीं काम कर सकती, सेम स्ट्रक्चर नहीं काम कर सकता, सबका ऑडिट ऑब्जेक्टिव अलग होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप पीएफ ऑडिट करने जा रहे हो, तो उसका आप एक सिंपल उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि आप ये बता सकते हो कि पीएफ की लॉज कहाँ कहाँ वायलेट हुई, उसको जनरलाइज कर सकते हो, और उसके अलावा ऐसा है कि आप ये दे सकते हो कि ये एम्प्लॉयज़ हैं, इस मंथ की पेमेंट में पीएफ के प्रोविजंस को एडहर नहीं किया गया है, तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट वहाँ क्रिएट कर सकते हो।
लेकिन आईएएस ऑडिट में ऐसा नहीं है। आईएएस ऑडिट में आप क्या करोगे, स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स देखोगे और उसी के अनुसार फॉर्मेट डिज़ाइन करना स्टार्ट करोगे, उसी के अनुसार स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना स्टार्ट करोगे। और यही नहीं, कई बार क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन जब बढ़ जाएगा, मालूम पड़ा आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन 5 करोड़ का है, कल की डेट में वो 100 करोड़ का हो जाता है और फिर उसके बाद 1000 करोड़ का हो जाता है। जैसे फ्लिपकार्ट अचानक 7-8-10 लाख से वो आज की डेट में $11 बिलियन का ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वैल्यूएशन $11 बिलियन नहीं, 66,000 करोड़ की वैल्यूएशन है। तो अचानक वो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा तो वहाँ पर क्या है कि फॉर्मेट और स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या है, आप ऑडिट रिपोर्ट में एक स्कोप और ऑब्जेक्टिव देखोगे, उसी के अनुसार फॉर्मेट और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे, उसमें ऑडिट फाइंडिंग्स दोगे और कुछ रेफरेंसेस वगैरह देने, कुछ चीज़ें देने, जैसे शेड्यूल्स होते हैं ऑडिट रिपोर्ट में, आजकल शेड्यूल्स में चीज़ें होती हैं और शेड्यूल से फेस में आती हैं, तो एक बेटर प्रेजेंटेशन का मेथड है। तो आप कोशिश करोगे कि ऑडिट रिपोर्ट सही तरीके से प्रेजेंटेशन हो उसकी। तो हमारी स्टडी में कुछ साइलेंट फीचर्स दिए हुए हैं जिसके बारे में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑलरेडी पता है, लेकिन क्योंकि हमारे स्टडी में दिए हुए हैं तो इसलिए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट कंटेंट और फॉर्म के बारे में दिया हुआ है। तो रिपोर्ट कंटेंट का कैसे बनेगी, कोई स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट नहीं हो सकती, अनस्ट्रक्चर्ड होगी, अनस्ट्रक्चर्ड स्कोप ऑब्जेक्टिव के अनुसार बनेगी और उस जो भी स्कोप और ऑब्जेक्टिव है उसी के अनुसार हम बनाना स्टार्ट करेंगे। उसमें पीरियड ऑफ कवरेज दिया होगा, नेचर ऑफ एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क परफॉर्म दिया होगा, क्या हमने ऑडिट वर्क परफॉर्म किया, क्या क्या हमारे पास एविडेंसेज हैं, उसके अनुसार क्या कंक्लूजन आए। ऑडिट रिपोर्ट इस तरह से होनी चाहिए कि अगर आदमी उसको देखे, शेड्यूल को देखे, वहाँ पर देखे कि ये प्रॉब्लम्स थी और इससे इसने ये कंक्लूजन निकाला है, तो ऑडिट रिपोर्ट बोलती हुई ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, यानी कि कन्फ्यूजन ना हो, उसे पता चल जाए, मैनेजमेंट को पता चल जाए यहाँ प्रॉब्लम्स थी। एक जेनरिक चीज़ नहीं होनी चाहिए, उनको पता ही ना चले, मालूम पड़ा एक जनरल स्टेटमेंट आपने दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक मिनिमम आप उसमें एक शेड्यूल्स बना रहे हो, उसमें एविडेंसेस हैं, उसके बाद आपने क्या टेस्ट किया, क्या प्रोसीजर्स अप्लाई किया और उसके बाद क्या रिकमेंडेशंस हुई, इससे क्या है कि मैनेजमेंट को समझ में आ जाएगा कहाँ प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि ऑडिट रिपोर्ट एक फॉर्मल मींस है कम्युनिकेट करने का, ऑब्वियसली फॉर्मल्स मीन ही होगा। ऑडिट रिपोर्ट जो होती है आप रिटर्न या दूसरे फॉर्म्स में भी भेज सकते हो। रिटर्न फॉर्म में पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, ऑडिट रिपोर्ट हम क्या करते थे, रिटर्न फॉर्म में भेजा करते थे। आज की डेट में क्या है, एमएस वर्ड में भेज देते हैं, मेल के थ्रू भेज देते हैं। लेकिन अगर हम उसे मेल के थ्रू भेजेंगे तो हमें यह देखना पड़ेगा कि ऑथेंटिकेशन हो, या तो हम हार्ड कॉपी भी ले लें, ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर आईएएस ऑडिटर ने ऑडिट किया और हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हमें हार्ड कॉपी दे दी और साथ में मेल में भी भेज दी, वेल एंड गुड, हार्ड कॉपी में उसके सिग्नेचर्स वगैरह ठीक है। अगर केवल मेल के थ्रू भेजी तो उसमें ऑथेंटिकेशन की प्रॉब्लम आ सकती, कल की डेट में वो कह सकता है ये मेल मैंने ऑडिट रिपोर्ट भेजी ही नहीं थी। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो नॉन रेप्यूटेशन के टर्म्स में हमें ध्यान देना होगा, मतलब डिजिटली साइंड होनी चाहिए या कुछ सिग्नेचर्स होनी चाहिए, ऑथेंटिकेशन और नॉन रेप्यूटेशन के टर्म्स में देखना पड़ेगा, यानी ऑथेंटिकेट करनी चाहिए कि उसी बंदे ने ये भेजी है, और नॉन रेप्यूटेशन का मतलब ये है कि इसी ऑडिटर ने इसे भेजी है और मना ना कर सके कि मैंने भेजी है। तो जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो कई बार क्या होता है, हम ऑडिट एज एन ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और कई चीज़ें इनफॉर्मली वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, ओरली कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन ओरल मेथड फॉर्मल मींस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। फॉर्मल मींस ऑफ कम्युनिकेशन रिटन है या दूसरे फॉर्म्स हैं, जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स आ गए। तो हमारी स्टडी हमें ये बताती है कि जी फॉर्मल मींस ऑफ कम्युनिकेशन हम यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली फॉर्मल मींस ऑफ कम्युनिकेशन हम करेंगे। उसके बाद इंटेंडेड रिसिपिएंट को ध्यान में रखते हुए ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कुछ मैंडेट कर देती हैं, लॉ मैंडेट कर देती कि ये चीज़ें डिस्क्लोज होनी चाहिए, तो वो आईएएस रिपोर्ट में वो चीज़ें डिस्क्लोज होनी चाहिए। जो आपके ऑडिटीज हैं, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, वो आपसे कुछ कहते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए,
तो उसके उनकी इंफॉर्मेशन उन्होंने उनको आप उस फॉर्मेट में दोगे। तो यानी कि ऑडिट रिपोर्ट उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ड्राइव करेगी। तो यानी कि सबसे पहली चीज़ स्ट्रक्चर हम बनाएंगे ऑडिट रिपोर्ट का, तो सबसे पहले स्कोप और ऑब्जेक्टिव से बनाना स्टार्ट करेंगे और फिर रिक्वायरमेंट, ये मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हमारा स्टाइल और कंटेंट डिटरमाइन, कंटेंट तो हमारा ऑब्जेक्टिव के अनुसार डिटरमाइन होगा, स्टाइल उसके अनुसार डिटरमाइन होगा। उसके बाद देखिए हमारी स्टडी कहती है मिनिमम बेसिक चीज़ें होनी चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, जितनी ज़्यादा हो उतना बेटर है। सबसे पहले तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है, ये हमें ऑडिट करना है, पीएफ का ऑडिट करना है, आईएएस ऑडिट करना है, स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है, इन्वायरमेंट ऑडिट करना है, या पर्टिकुलर एरिया का ऑडिट करना है, आईटी एरिया का ऑडिट करना है। कई बार क्या होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और स्कोप होना चाहिए। अगर स्कोप में कोई लिमिटेशंस आ गई तो फिर वो बताएगा कि ये लिमिटेशंस आ गई। कई बार क्या होता है लिमिटेशंस मैनेजमेंट बताता है, लिमिटेशंस आप ऑडिट कर रहे होते हो मैनेजमेंट क्रिएट कर देता है। कई बार क्या होता है कि बंदे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, उसकी वजह से लिमिटेशंस हो जाती है, स्कोप का लिमिटेशंस हो जाता है। आप गए ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंटेंट है जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा है। उसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि किस किस को ये ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, कहाँ कहाँ तक ये सर्कुलेट होगी। मानो बड़ा आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, आपने कहा जी ऑडिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी के पास होनी चाहिए, बाकी किसी और के पास नहीं होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन उसमें ऑडिट रिपोर्ट में होनी चाहिए और सारी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होनी चाहिए कि ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं। और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में रिस्क भी होनी चाहिए। ये ऑडिट जो आईएएस ऑडिट है वो बेसिकली सारे ऑडिट रिस्क ऑडिट है, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि आईएएस ऑडिट रिस्क और प्रीडोमिनेंटली रिस्क और कंट्रोल का ऑडिट है। तो रिस्क के टर्म्स में और कंट्रोल्स के टर्म्स में फाइंडिंग्स बोलनी चाहिए और उसके बाद कंक्लूजन होना चाहिए। कंक्लूजन क्या है कि ओवरऑल इवैल्यूएशन हो सकता है, मल्टीपल इवैल्यूएशन हो सकता है। अब जैसे पीएफ का ऑडिट करने जा रहे हैं तो ओवरऑल इवैल्यूएशन होगा उसमें, और अगर किसी इंटरनल ऑडिट करने जा रहे हैं तो वो मल्टीपल इवैल्यूएशन हो सकते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस के इवैल्यूएशन हो सकते हैं, ये प्रोसेस सही है, प्रोसेस सही नहीं है। तो जो स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव है वहां पर ओवरऑल इवैल्यूएशन हो सकता है और मल्टीपल इवैल्यूएशन हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। और फिर उसी के अनुसार आपकी रिकमेंडेशंस होंगी कि क्या क्या करेक्टिव एक्शंस होने चाहिए, और इन्हीं करेक्टिव एक्शंस का बाद में फॉलोअप किया जाएगा। फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। और अगर कुछ रिजर्वेशन और क्वालिफिकेशन है वो हम मेंशन करेंगे। रिपोर्ट प्रेजेंटेबल फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि एक लॉजिकली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि इलॉजिकली लगे। कोई भी आदमी पढ़े तो उसे लगे कि एक लॉजिक, एक लय है इसमें, मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ को कोरिलेट करनी चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है कि पूरा आपने कहीं कंट्रोल्स वीक देखे और वो अफेक्ट कर रहे हैं किसी और चीज़ को, तो आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, एक सीरीज़ में होनी चाहिए, ताकि जब मैनेजमेंट पढ़ रहा हो तो उसको वो देखे और ईजीली समझ सके। तो एक प्रेजेंटेशन का एक मेथड होता है जो ऑडिटर को एक्सपीरियंस से आता है, उसका कोई फॉर्मेट नहीं हो सकता। उसके अलावा टाइमली मैनर में होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब ये, टाइमलीनेस का मतलब क्या है कि अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट देने में 6 महीने लगा दिए तो उसमें मालूम पड़ा कुछ कंट्रोल्स वीक रह गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में, पर्पस मीट आउट नहीं हुआ, करेक्टिव एक्शंस प्रॉम्प्टली ले सके। कई बार तो ऑडिटर क्या है ओरली बता देता है जाकर कि भाई ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए कई जगह पर कंटिन्यूस ऑडिटर्स रखे जाते हैं, कंटिन्यूस इंटरमिटेंट सिम, इवन एम्बेडेड ऑडिट मॉड्यूल्स डाल दिए जाते हैं, जो जिसके बारे में हमने पढ़ा।
एम्बेडेड ऑडिट मॉड्यूल्स क्या करते हैं कि कॉन्स्टेंटली ऑडिट कर रहे होते हैं, पल पल ऑडिट कर रहे होते हैं, हर सेकंड ऑडिट कर रहे होते हैं और जब अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको बता देते हैं। तो टाइमलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ता जाएगा टाइमलीनेस और इंपॉर्टेंट होती जाएगी। कल की डेट में क्या है कि आपके पास ऑडिट मॉड्यूल्स होंगे, जैसे जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ऑडिट मॉड्यूल्स हो रहे हैं, ऑडिट मॉड्यूल्स रियल टाइम ऑडिटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमें सब्सिक्वेंट इवेंट्स का ध्यान देना होगा। अगर मालूम पड़ा हम ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं और अचानक हमें पता चला ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया या कोई ऐसी चीज़ आ गई कि जो जिसकी वजह से हमारी ऑडिट फाइंडिंग्स में इफेक्ट आएगा, तो हमें ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। मालूम पड़ा आपने देखा कि कंट्रोल्स कंप्लीट हैं, कंट्रोल सही है, एक रीजनेबल लेवल ऑफ कंट्रोल्स हैं और रीजनेबल एश्योरेंस आप दे रहे हो, लेकिन मालूम पड़ा कुछ ऐसी चीज़ आ गई, कुछ आईटी में ऐसा चेंजेस आ गए जिससे कि आपके रिपोर्ट लिखने तक आपको लगता है कि अब कंट्रोल्स वीक हो गए। मालूम पड़ा कोई वायरस आ गया, कोई चीज़ आ गया, कोई हैकिंग होने लगी या कोई पर्टिकुलर नए स्टैंडर्ड्स आ गए या कोई पर्टिकुलर चीज़ होगी जिसकी वजह से आपको लगता है कि कंट्रोल्स अब आपको लग रहा है वीक हो गए, या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बंदे छोड़कर चले गए, मैनेजमेंट में स्पेशलिस्ट छोड़कर चले गए, जो आपके आईटी स्टीयरिंग कमेटी है उसमें बंदे छोड़कर चले गए, या फिर अगर आईटी कमेटी है उसमें कोई पर्टिकुलर एरिया का स्पेशलिस्ट छोड़ के चला गया, या फिर अगर आप डेटाबेस है, सपोज ऑर्गेनाइजेशन में एक डेटाबेस है, DBMS रखा हुआ है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर बैंक में DBMS है वहाँ पर एक सिक्योरिटी IT सिक्योरिटी पर्सनल होना बहुत ज़रूरी है। अगर मालूम पड़ा पूरी IT सिक्योरिटी पर्सनल की टीम ही अचानक छोड़ के चले गई, कभी कभी होता है ऑर्गेनाइजेशन में पूरा का पूरा डिपार्टमेंट छोड़ कर चले जाता है और अचानक ऑर्गेनाइजेशन वनरेबल हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। आप ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हो, जब तक जिस डेट तक आपकी ऑडिट रिपोर्ट है उस डेट तक सारी चीज़ें कंट्रोल्स मजबूत हैं, लेकिन अचानक पूरा डिपार्टमेंट ही छोड़कर चला गया, तो आपको ये सारी चीज़ें अपने ऑडिट रिपोर्ट में ऐड करनी होगी। अगर कोई मटेरियल चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐड करने होंगे। तो बेसिकली ये हमारा फाइनल डिलीवरेबल के बारे में है और ये हम चीज़ें जानते हैं, मतलब ऑडिट रिपोर्ट के बारे में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जानते हैं कि कैसे होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए। जनरली हम ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने जाते हैं, लेकिन हमारे स्टडी में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और फॉलोअप के बारे में दिया हुआ है, फॉलोअप के बारे में दिया हुआ है कि फॉलोअप ऑडिटर को फॉलोअप करना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद, उसे ये देखना चाहिए ये ऑडिट रिपोर्ट में जो उसने रिकमेंडेशंस दिए हैं, सजेशंस दिए, वो इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं हुए। कई बार क्या होता है कि उसके ऑडिट का पार्ट होता है, ऑडिट का पार्ट ये होता है कि वो कॉन्स्टेंटली देख रहा होता है कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं कि नहीं हुई हैं, तो फॉलोअप से वो ये डिटरमाइन करता है कि मैनेजमेंट जगा है कि नहीं जगा है, मैनेजमेंट एक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और कौन से एक्शन, करेक्टिव एक्शंस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर मैनेजमेंट सोया हुआ है और करेक्टिव एक्शंस नहीं ले रहा है तो ऑडिटर को एक पर्टिकुलर रिपोर्ट भेजेगा, मतलब फॉलोअप रिपोर्ट भेजेगा, और फॉलोअप रिपोर्ट में ये बताएगा कि मैनेजमेंट सोया हुआ है कि मैनेजमेंट जगा हुआ है, और उससे क्या करेगा, वो जाएगा और वो देखेगा कि इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट भेजने के बाद वो एक प्लान मंगाएगा, वो कहेगा कि जो मैंने रिपोर्ट भेजी है इसमें जो इम्प्लीमेंटेबल पॉइंट ये हैं, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो क्या प्लान है, मतलब एग्रीड एक्शन प्लान्स बनाएगा कि क्या एक्शन प्लान्स है आपका, क्या है, क्या रिसोर्सेज लगेंगे, कब तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और फिर जाके देखेगा वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं कि नहीं हुई हैं, मतलब जो एग्रीड एक्शन प्लान्स हैं वो इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्रीड एक्शन प्लान्स बनवाएगा ऑर्गेनाइजेशन से, रिपोर्ट देने के बाद एग्रीड एक्शन प्लान्स बनवाएगा और फिर बाद में देखेगा ये एग्रीड एक्शन प्लान्स इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और उसमें क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, वो देखेगा क्या करना था, किसने करना था, क्या अल्टरनेटिव्स थे,
मालूम पड़ा कई बार क्या होता है कि एग्रीड एक्शन प्लान्स की वैल्यू ही नहीं रहती। कई बार मालूम पड़ा सॉफ्टवेयर है, उसने कहा कि कुछ कंट्रोल्स वीक है सॉफ्टवेयर में, फिर उस वो गया तो पता चला सॉफ्टवेयर ही रिप्लेस कर रहे हैं, नया सॉफ्टवेयर आ रहा है या हायर वर्जन आ गया जिसमें वो प्रॉब्लम सब नहीं है। तो अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया और इनएक्शन से क्या चीज़ें होंगी, एक बार इसकी वो ब्रीफ समरी बनाएगा, मैनेजमेंट के साथ बैठेगा और एक फाइनल समरी उनको भेज देगा, फॉलो अप समरी भेज देगा कि ये फॉलो अप समरी है कि जी जी आपने ये काम नहीं किया। अगर मैनेजमेंट सोया हुआ है तो उसे ये बताना पड़ेगा कि आप मेरी ऑडिट रिपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप कहोगे कि मैनेजमेंट सो गया है तो वो थोड़ा ऑफेंसिवली ले सकते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि भैया आप तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट का रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो, कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं है। मतलब पॉलिटिकली जो प्रैक्टिकली है इसी तरीके से बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसे समराइज कर लेते हैं, सबसे पहली चीज़ फाइनल डिलीवरेबल ऑडिट रिपोर्ट है, उसका फॉलो अप करना पड़ेगा। उसका आप स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, मतलब ऑडिट रिपोर्ट का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि IAS ऑडिट रिपोर्ट का आप स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि IAS इंफॉर्मेशन सिस्टम इवॉल्व कर रहा है, बहुत तेजी से इवॉल्व कर रहा है, हर 5 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाती है। लेकिन मिनिमम चीज़ें आप उसमें मीट आउट करोगे ऑडिट रिपोर्ट में, मिनिमम चीज़ें मीट आउट करोगे उसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा जिसका ऑडिट कर रहे हो, पीरियड होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, स्कोप होगा, ऑडिट फाइंडिंग्स होंगी, कंक्लूजन्स होंगे, रिकमेंडेशंस होंगे, उसको एक पर्टिकुलर तरीके से प्रेजेंट आपको करना होगा, टाइमलीनेस का ध्यान रखना पड़ेगा, सब्सिक्वेंट इवेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, उसमें एक फ्लो होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में कि क्या आपके एविडेंसेस थे, क्या आपने प्रोसीजर्स मेथोडोलॉजी अपनाई और किस तरीके से आप अपने कंक्लूजन्स में पहुँचे और उसकी क्या रिकमेंडेशंस है, उसके बाद आप फॉलो अप करोगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन आपको हेल्प करेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक बार ऑडिट कर लिया और फिर आपने देखा कि फॉलोअप हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा है कि ऑडिट, अगर आपके पास एक ऑडिट फर्म है और मालूम पड़ा अगली बार आप ऑडिट करने जा रहे हो या किसी नए बंदे को ऑडिट करने भेज रहे हो, तो उसके पास बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होगा, बेसिक नॉलेज होगी पहले से ही कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स में क्या होना चाहिए, क्या बिजनेस है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या कंट्रोल एनवायरनमेंट है, क्या लॉज रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं, उसकी एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि भाई ये लॉज स्टैंडर्ड्स एंड ये सारी चीज़ एप्लीकेबल है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का स्कोप क्या है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है और स्कोप क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस IAS ऑडिट में बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसा कि आगे हम पढ़ेंगे, रिस्क एनालिसिस एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है। तो रिस्क एनालिसिस, किसी ने रिस्क एनालाइज किया तो कैसे एनालाइज किया, रिस्क असेसमेंट ऑडिटर का काम है, हमने कई बार बोला है। तो रिस्क असेसमेंट जो किया गया है उस रिस्क एनालिसिस के डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होने चाहिए, ऑडिट प्लान के डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, ऑडिट प्रोसीजर्स कौन कौन से अप्लाई करोगे जब आप प्लान बनाओगे उसके डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा ऑडिट फाइंडिंग्स क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स क्या है, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशंस क्या हैं और रिलेटेड एविडेंसेस क्या थे, ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट करके रखोगे। क्योंकि अगर आपने ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट नहीं की तो अगली बार आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ सकता है। अगर डॉक्यूमेंटेड है तो आपके पास क्या है कि पुराने टाइम के एविडेंसेस आपके पास अवेलेबल हैं और उन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पर आप अगली बार जाकर फॉलो अप कर सकते हो और अगली बार जाकर आप ये कह सकते हो, देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर मटेरियल एरिया है, ये नॉन मटेरियल एरिया है। क्योंकि आप जाओगे ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको ये पता होगा, रिस्क असेसमेंट ऑलरेडी आप कर चुके होगे, आपको जाकर ऑर्गेनाइजेशन में एडिशनल रिस्क असेसमेंट जब आप करोगे तो एडिशनल रिस्क असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, करेक्टिव रिस्क असेसमेंट करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो और वहाँ का एक रिस्क को एनालाइज करते हो तो दोबारा जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आप ये कहोगे कि ये रिस्क प्रोफाइल चेंज हुई है यहाँ पर। अगर मान लिया कोई नया सिस्टम आ गया वहाँ पर तो उससे रिस्क प्रोफाइलिंग चेंज होगी। अगर नया उन्होंने सॉफ्टवेयर लगा दिया, हार्डवेयर लगा दिया, तो उससे रिस्क प्रोफाइल चेंज हो सकती है, रिस्क घट सकता है, रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन पिछले वाले रिस्क के रेफरेंस से आप
बात करोगे। आपको पता है मोटे तौर पर क्या क्या रिस्क हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या चीज़ें हैं। किसी घर में आप जाते हो तो वहाँ अगर मान लिया सपोज फैमिली मेम्बर होते हैं तो आपको पता होता है उनका क्या बेसिक करेक्टर है। थोड़ा सा चेंज हो गया होता है उनका बेसिक करेक्टर साल भर बाद आप जा रहे होते हो तो, लेकिन पहले एक्सपीरियंस से आपको पता होता है, दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का है, ऑर्गेनाइजेशन की एक पर्टिकुलर रिस्क प्रोफाइलिंग होती है और वो रिस्क प्रोफाइलिंग आईटी है तो चेंज जरूर होगी, लेकिन ड्रेस्टिकली चेंज हो इसके चांसेस कम होते हैं। और ड्रेस्टिकली चेंज होती है तो आपको पता चल जाता है पहले ये रिस्क प्रोफाइलिंग थी, अब ये रिस्क प्रोफाइलिंग हो गई है इसकी, अब इसमें ये लेवल ऑफ कंट्रोल्स होनी चाहिए। पहले ये रिस्क प्रोफाइलिंग थी, ये कंट्रोल्स थे, तो अब ये ड्रास्टिक चेंजेस आ गए तो कंट्रोल्स ये लेवल ऑफ कंट्रोल्स होने चाहिए थे। तो एक डीप इनसाइट देगा ये सारे डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन हम जानते हैं ऑडिटर के पास डिलीवरेबल ऑडिट रिपोर्ट है, लेकिन वो सारे एविडेंस वगैरह वो उनको डॉक्यूमेंटेशन करके रखता है और डॉक्यूमेंट ही उसका रॉ मटेरियल है। ऑडिटर का जो रॉ मटेरियल है वो है डॉक्यूमेंटेशन है, वो डॉक्यूमेंट बना के रखता है, वही डॉक्यूमेंट उसके प्रूफ्स होते हैं और उन्हीं वो प्रूफ्स ऐसे होने चाहिए कि उसी से ऑडिट ओपिनियन निकल कर आए। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमारी स्टडी बताती है और इस चीज़ के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑलरेडी